राम राम भाइयों, मारे द्वारा एक भाई साहब का कमेंट और आया है भाई। इस भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया सवाल करया है और भाई भी तो देखने लग रहे थारे मन में कोई सवाल है। थम भी करके बुझ लिये भाई, किस विषय में थम जानना चाहो उसी विषय में जो वीडियो होगी वो बना के दी जाओगे भाई। एक बार आप रिप्लाई करा है जो भी भाई साहब ने कॉमेंट कराया है। भाई साहब का नाम है आकाश रोयल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जो कि आपने कॉमेंट कराया है। आज आपका कमेंट की रिप्लाई दी जा रही है भाई साहब। जो आपका कमेंट है उसने आप आई पढ़ कर देखा भाई, आपने के कमेंट करा है आपने भी सुनना है ध्यान से। और किस विषय में मैं के चीज बताऊंगा, जो कि आपने एस्टिमेट लिखने के बारे में बताया था या तो लिस्ट के बारे में बताया था, पूरी लिस्ट भी तैयार से भाई साहब, और लगभग मैंने खर्चा भी बताया है। जो आपने एस्टिमेट बताया था उसका खर्चा भी कितना बैठा है, मैंने खर्चा भी काट दिया है लगभग पूरा। ठीक है भाई, जो कि भाई साहब ने लिखा है, हेलो भैया, 300 आदमी के लिए मटर पनीर की सब्जी होगी भाई साहब। ठीक है, ये भाई कुछ प्रोग्राम करना चाह रहा है और इस प्रोग्राम के बारे में ये नहीं बताई भाई, भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, बच्चे की शादी है, जो प्रोग्राम करना चाह रहा पहले तो इस कमेंट ने पढ़ा है, उस विषय में ये कमेंट करे भाई साहब ने। 300 आदमी में मटर पनीर की सब्जी होगी और साथ में दाल मखनी आलू गोभी की सब्जी होगी भाई साहब, और साथ में ये गुलाब जामुन देना चाहवा है। और इन भाई साहब ने कराया है पूरी, साथ में मैंने एक चीज और जोड़ी भाई साहब, उसने ध्यान से देख ली, मिसी रोटी। ठीक है भाई, जो कि भाई साहब ने कहा है पूरी और नान। पूरी नान यानी कि एक तंदूर लगेगा भाई साहब, तंदूर में नान तो बननी आए है। ठीक है, तो वो अपना थोड़ा सा आटा और उसमें घेर कर एक मिस्सी रोटी भी देश का आता है। एक मिस्सी रोटी होगी और नान होगी, दो वरायटी होगी, तीसरी अपनी पूरी हो जाएंगी भाई, तीन वरायटी होगी। ठीक है, पेमेंट उतनी लगनी भाई साहब, जो कि आटा इन्नत है, पूरी में ज्यादा खपत होगा तो इन्ना हो जाएगा, एक 5-7 किलो बेसन बेसन का खर्चा बढ़ा है, वो उतना आटा बच जाए भाई, कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, साथ में अपन एक वरायटी बढ़ा दी मिस्सी रोटी होगी। ठीक है भाई, जो कि एक एक समान मसाला लिखा है भाई, ध्यान से सुन लिए। अच्छा, मिस्सी रोटी जो भी आइटम बताया है इनका टोटल कुल कितना खर्चा बैठ जाओ भाई साहब, कुछ बताए, या कितना मसाला होगा कुछ बताए, मैं कुछ कंफ्यूजन में हूँ भाई साहब। इस भाई साहब ने यह बात कही है। ठीक है भाई, भाई कंफ्यूजन मत करे, जो कि आपने वीडियो कमेंट कराया है उस विषय में यह वीडियो तैयार होगी, अपना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखकर पूरी ध्यान से समझ लियो। जो कि भाई साहब ईद बारी आई है मसाला की, ईद मसाला एक एक चीज, अगर पेन कापी ना तो पेन कापी उठा ले, एक एक चीज मसाला देखांगे, जो मसाला मैं बोलूँ आप लिख लियो, वो मसाला बताया है भाई। ये मत सोचियो भाई मारा करना है भाई, प्रोग्राम में जलेबी भी है, लड्डू भी है और आइटम भी है, उसका विषय में यह लिस्ट नहीं बनी बिल्कुल भी, या लिस्ट ओनली सब्जी का विषय में बनी है, सब्जी और तंदूर का विषय में। और इसका जो मसाला होगा, जो कि इसमें ना तो लड्डू का मसाला कोई, ना जलेबी का मसाला, जो मीठा होगा ना उसका कोई मसाला, ठीक है, जो कि ना सब्जी रोटी का एडजस्ट कराया था उसका ही है सामान, एक टिन रिफाइंड का, जो कि अपन सब्जी बनाएंगे उन सब्जी में रिफाइंड यूज करेंगे, यानी कि गोभी फ्राई होगी। ठीक है, और सब्जी हमें छोंक लगा, एक टिन रिफाइंड का हो गया। ठीक है, और बेसन 8 किलो, 8 किलो यो है मिस्सी रोटी में यूज होने खतर। ठीक है भाई, और 15 किलो मैदा, जो नान बनावांगा उसमें यूज होगी 15 किलो मैदा। नींबू और रंग 100 ग्राम, यानी कि कई बार मिस्सी रोटी में भी यूज करा है और जिस टाइम मटर पनीर की सब्जी बना है उसमें भी यूज होगा भाई, 100 ग्राम पीला रंग है। और सोडा, जो कि सोडा का के काम होगा, आपा दाल मखनी बनावा उस टाइम सोडा की आवश्यकता पड़ेगी भाई। ठीक है, जीरा 500 ग्राम, सब्जी में छोक मारने खातर भाई। काजू टुकड़ी, जो कि भाई चावल अगर बनाना चाहो तो उसमें यूज कर सको हो, वैसे अपना चावल की डिमांड नहीं करी है, लिस्ट में शामिल नहीं भाई। ठीक है, यदि आप लिस्ट में शामिल करो तो बता भी दे। और लाल मिर्च 500 ग्राम, 500 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम काली मिर्च पीसी हुई,
कई बार यूज करनी पड़ जाए सब्जियां भी, ठीक है। और अजवाइन 100 ग्राम जो कि पूरी में यूज करेंगे अपन, तेज पत्ता 50 ग्राम सब्जी में यूज के लिए, जावित्री 50 ग्राम सब्जी में यूज के लिए, पीपली छोटा सब्जी के लिए भाई, काला नमक 200 ग्राम सब्जियां में, सफेद नमक 3 किलो, बड़ी इलायची 50 ग्राम, हींग पाउडर 50 ग्राम, अमचूर का पैकेट 1 भाई सब्जी खातर, कश्मीरी मिर्च यानी कि जिसने आप देगी मिर्च बोल रख रहे भाई 3 पैकेट, चना मसाला 1 पैकेट जो कि छोला की सब्जी बनाएगी आपकी उस खातर, मीट मसाला 1 पैकेट, रायता मसाला 2 पैकेट अगर करना चाहो हो तो, यानी कि इसमें रायता अपना कराया नहीं है ना, तो रायता कराया ना कड़ी कर रखी भाई ना चावल से, ठीक है। कस्तूरी मेथी 5 पैकेट जो कि 1 पैकेट मेथी जो मेसी रोटी होगी उसमें, 1 पैकेट है पूरी में और बाकी 3 पैकेट सब्जियां में, गरम मसाला 1 पैकेट सब्जी का यूज के लिए भाई, सौंफ 200 ग्राम सब्जी में भी यूज कर सका हाँ, या फिर जो आप खाना देना चाहो हो उसमें यूज हो उसका ही है, 500 ग्राम मिश्री दाना, एक रोल का पैकेट जो कि आप जिस टाइम रोटी या नान यूज करा हाँ उस टाइम धरण खातरे या लपेटन खातर भाई, 200 ग्राम या 250 ग्राम चाय पत्ती पैकेट भाई, यानी कि इतना बड़ा प्रोग्राम है तो रिश्तेदार यारा प्यारा जो भी आओगे उन्हें चाय पानी भी ले जाओगे भाई भाई, चना काबली 2 किलो यानी कि अपना छोले की सब्जी बोल रही थी भाई ये छोला है, ठीक है 2 केजी, इसमें जो कि अपना चावल नहीं कराया था मैंने चावल भी लिख दिया भाई 8 किलो चावल, अगर बनाना चाहो तो चावल भी ऐड कर लियो भाई, 3 पैकेट पापड़ का कर दिया जो कि भाई अपने ब्याह शादी में अपने बहन बेटे की शादी है तो उसमें ये पापड़ भी आप सिकाई फ्राई करके या सिकाई करके अन्न दर्ज का हाँ सलाद का साथ में, 3 केजी वॉशिंग पाउडर यानी कि सरफ है बर्तन धोने खातर भाई 3 किलो, ठीक है। पीली मिर्च 100 ग्राम जो कि मैं सिरोटी में भी यूज कर सकता है या सब्जियां भी यूज हो सकता है, उड़द साबुत और राजमा सफेद 2 किलो, राजमा 2 किलो, दाल उड़द की जो कि दाल मखनी खातर भाई, दाल मखनी खातर होगी 1 वैरायटी इसमें सब्जी आली, ठीक है दाल मखनी बोल ली थी भाई साहब, कच्चा कोयला 10 किलो तंदूर खातर भाई, 70 किलो गुटका लकड़ी तंदूर खातर भाई, और इसमें अपन रायता तो ऐड कर कौन रखे भाई, रायता हटा दियो तो रायता अगर टाल करो हो तो इसमें अपन 1200 गिलास कर रखे है भाई तो आप 600 गिलास कर सको, 300 गिलास तो चा पानी का या फिर ठंडा का यानी कि 600 गिलास चा पानी ठंडा में यूज हो जाऊंगा, अगर रायता भी करो हो तो 600 गिलास हो रहूंगा, 1200 गिलास लग जाऊंगा भाई 300 आदमी में, ठीक है। 400 गिलास चाय के लिए, कॉफी करो हो तो आपने गिलास भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई। फिर जो भी लिस्ट बना के दी है भाई आप तीन मैंने इसमें वारदाना नहीं करा है यानी कि कढ़ाई बर्तन परात पतीला टोपिया जो भी चूल्हा गैस वट्टी ये नहीं करे भाई, जो कि किराना का सामान करा है, परचूनी का सामान करा है और सब्जी मंडी का सामान करा है, ये बाप बात कराएंगे सब्जी की। मैं अब तक एक ही रियायत देना चाहूँ भाई, जो भी आप आलू गोभी की सब्जी बनाओ हो एक लिए गोभी फ्राई कर लियो बहुत बढ़िया सब्जी रहेगी, फिर भी आपकी इच्छा है तो मैंने दोनों दाल एक एडजस्ट करी है, इसमें मैंने 10 किलो आलू कर दिया, अगर आलू गोभी की सब्जी करना चाहो तो आलू रख लियो ना तो काट लियो, एक लिए गोभी फ्राई भी बहुत अच्छी सब्जी बनाएगी, और 40 किलो गोभी करी है यानी कि एक लिए गोभी करना चाहो हो तो 40 रख लियो, और आलू गोभी करना चाहो हो तो इसमें 30 किलो गोभी, 40 यूज में है तो लगभग 25 किलो गोभी निकलेगी इसमें, बाकी वो डांग खड़ा है वो निकल जाएगा, ठीक है। 40 किलो गोभी, 10 किलो आलू भाई, धनिया 500 ग्राम भाई,
अदरक 500 ग्राम, 1 केजी हरी मिर्ची और 25 किलो टमाटर, जो कि इसमें सब्जी खातर है भाई। अगर सलाद भी करना चाहो तो 10 किलो टमाटर अपना बढ़ाना होगा सलाद खातर। ठीक है, 25 के बजाय 35 कर लियो। इनकी एक कैरेट है मैं 20 से 22 किलो की, यानी कि एक कैरेट तो सब्जी यूज में होगी भाई, देसी टमाटर। और सलाद करना चाहो तो शिमला टमाटर 10 किलो और कर लियो। ठीक है, और इसमें सलाद खातर फिर भी मैंने आपने ही बताई है 15 किलो खीरा और 5 किलो ककड़ी, अगर है तो ककड़ी भी ले आइयो, और 2 किलो चकुंदर होगी, 20 केजी प्याज होगी, यानी कि इसमें 15 किलो, 15 तो भाई 12-13 किलो प्याज सब्जी यूज में उसका है और बाकी भाई सलाद यूज में उसका है। ठीक है, और 500 ग्राम लहसुन, ये तो हमारी सब्जी थी जो वो कंप्लीट होली भाई। ये आगे और चाल का देखा, अपना इतना बड़ा प्रोग्राम है, ब्याह शादी का है या जो बारात का है कुछ भी है, उसमें आपने बताया तो आठ नहीं, इसमें दूध की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 15 किलो दूध है चा पानी के लिए भाई। ठीक है, जो सुबह का है या शाम का है वो आपने एडजस्ट करने है भाई, सुबह होगा या शाम ना होगा वो दूध 15 किलो। ठीक है, 2 किलो खोवा होगा भाई, जो कि पनीर की सब्जी खातर। आपने सब्जी दो तीन बताई थी, एक तो मटर पनीर, एक गोभी की, एक दाल मखनी। दाल मखनी में तो लिया अपना करना है राजमा और दाल, और गोभी की सब्जी में आलू गोभी अपन बता दिया। वो तीसरी सब्जी है यह मटर पनीर की, 15 किलो मटर जो सफल मटर होगी और 15 किलो पनीर। ठीक है भाई, और 2 गैस सिलेंडर जो कि सब्जी सब्जियां में यूज होगा, और बाकी भी आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपके हिसाब से एडजस्ट करिए भाई। लाडू जलेबी और भी आइटम है, ये मैंने ओनली सब्जियां का वास्ता बताया है भाई। ठीक है, लगभग 100 ईंट लग जाऊंगी भाई भट्ठी वट्ठी बनाने खातर। ठीक है, और 1 केजी क्रीम दाल मखनी खातर भाई, 2 किलो देसी घी, जो कि अपन नान या फिर मिस्सी रोटी बनावा उसने चौपड़ने वास्ते, जो कि इस लिस्ट में जो सामान था वो सारा मैंने कंप्लीट बता दिया है। आपने ये भी नहीं बताया भाई, गुलाब जामुन तो लिस्ट में बता रहा है के बनवाने हैं या मोल के लेके आओगे। तकरीबन हम जो काम करके आओ मोल के आओ है, एक आधी जगह बनाने पड़े हैं। ठीक है भाई, अगर मोल के लेके आओ हो तो लगभग आपको उस एरिया में है वो आप जानो भाई, उस हिसाब से दोनों हिसाब से बताऊं मैं लगभग कितना गुलाब जामुन लग जाऊंगे। 7 21 7 35 लगभग, यानी कि 5 टिन, यानी कि 5 गुलाब जामुन का पिप्पा अपने 300 350 आदमियों में यूज हो जाएंगे। ठीक है, गुलाब जामुन का, और एक आध पिपा घाटबाद भी हो उसका है, वो मीठा पर डिपेंड हो जाए, एक दो मीठा साथ में कुछ और देव हो या ना देव हो, लगभग जो एस्टिमेट बताया है मैंने उसकी पूरी लिस्ट बनाई भाई। इसमें जो खर्चा भी बताया गया था वो खर्चा भी लिख रखा है। टोटल अपन जो एस्टिमेट बताया है गुलाब जामुन छोड़कर, ठीक है, गुलाब जामुन छोड़कर जो भी किराना का सामान बताया है इसकी लिस्ट में लगभग पूरा सामान 18,000 रुपये का बैठ जाएगा भाई, जो आपका खाना पीना का आना है गैस सिलेंडर समेत। ठीक है, 18,000 रुपया खर्चा होगा, जो कि इस वीडियो में मैंने एक एक चीज बारीकी तक समझाई है। आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसने लाइक कर दियो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसने सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद।